भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगाते हुए कोविड 19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। ये सब केवल कागजों पर दिख रहा है। लॉकडाउन अवधि में विवाह मुहूर्त के चलते शहर में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों की बाट जो रहे दुकानदार भी पलक झपकते दुकान का शटर उठाकर ग्राहकों को अंदर करने के बाद शटर गिरा दे रहे हैं। खरीदारी करने के बाद अंदर मौजूद लोगों के इशारे पर दुकानों के शटर खुलते ही उसमें निकल रही भीड़ लोगों को हैरान कर रही है। ये सब कुछ शहर में गश्त कर रही पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। ऐसे में क्या कोरोना की चेन टूट पाएगी, ये कहना मुश्किल है। सुबह लॉकडाउन खुलने का लाभ उठाते हुए कपड़े आभूषण जूते चप्पल व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के दुकानदार चौकनी निगाह से ग्राहकों पर नजर गड़ाए रहते हैं। यही हाल मोबाइल फोन की बिक्री करने वाले दुकानदारों का भी है। सब्जी मंडी में भी लोग कोविड 19 के नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। लॉकडाउन खोले जाने के दौरान केवल आवश्यक वस्तु एवं दवा की दुकानों को प्रतिबंध में शामिल नहीं किया गया है। इसका बेवजह लाभ अन्य दुकानदार भी उठा रहे हैं। शहर में सुबह के समय जरूरत के सामान खरीदने वालों के हाथों में प्रतिष्ठानों के नाम छपे बैग देखकर हैरानी हो रही है कि आखिर दुकान बंद होने के बाद इन ग्राहकों को सामान मिल रहे हैं कैसे। रोचक बात यह है कि सब कुछ प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम हो रहा है। ऐसे में यह कहना वाजिब होगा कि प्रशासन की सुस्ती की वजह से लोगों की जान की दुश्मन बने हैं दुकानदार।